आज पहले आपको दरगाह शरीफ की अंदर लेके चलेंगे, पहले बीबी चमेली की दरगाह, बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ, फिर आस्थाना शरीफ के चार नंबर गेट पहले जियारत कराएंगे और फिर सीधे ले चलेंगे आपको आस्थाना शरीफ के दो नंबर गेट पायथी गेट जहाँ पर कदम उसी होती है, वहाँ से भी आपको जियारत कराएंगे और सीधे ले चलेंगे आताई नूर में जहाँ पर चादर पेश होती है आस्थाना शरीफ में, वहाँ से भी आपको जियारत कराएंगे और माहौल भी आपको दिखाएंगे। आताई नूर से जियारत कराते हुए सीधे बाहर की तरफ ले चलेंगे उजू खाना के सामने, उजू खाना के सामने का माहौल दिखाएंगे, यहाँ पर कितने जायरीन हैं आज, कैसे लोग उजू बना रहे हैं, कैसे माहौल चहल पहल है दिखाएंगे। उजू खाने के बाद सीधे आपको लेके चलेंगे दरगाह शरीफ की बाहर जहाँ पर मेन गेट है, मेन गेट से आप अंदर दाखिल होते हैं निजाम गेट, निजाम गेट से आपको दरगाह बाजार का माहौल भी दिखाएंगे। बना रहिए, आप शुरू करते हैं हमारी वीडियो। जी वीडियो को पूरा देखिए। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज वेडनेसडे यानी बुधवार, और आज पहले आपको दरगाह शरीफ की अंदर लेके चलेंगे, पहले दरगाह शरीफ की अंदर की माहौल दिखाएंगे, दरगाह शरीफ जियारत कराएंगे और सीधे लेके आएंगे आपको दरगाह शरीफ की बाहर, बाहर का माहौल भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज सीधे दरगाह शरीफ की अंदर। बना रहिए, वीडियो पूरा देखिए, दरगाह शरीफ जियारत कीजिए। जी सुभान अल्लाह, आशिकाने फाजा गरीब नमाज, आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी मुबारक हो। तो आज पहले दरगाह शरीफ की अंदर आपको लेके आया हूँ। ये देखिए शाहजहानी मस्जिद की अंदर की हालत, अभी सुबह 10 बज रहा है और सुबह 10 बजे का ये हालत है। आज धूप तेज़ है, देख सकते हो ऊपर तिरपल लगाया जा रहा है, और ये है 10 नंबर गेट जो शाहजहानी मस्जिद की साथ साथ है, और इसी गेट से अंदर आने के बाद बीबी चमेली की दरगाह देखता है, पहले शाहजहानी मस्जिद आ जाता है पहले। तो आज पहले आपको बीबी चमेली की दरगाह जियारत कराएंगे। जी तो जियारत कीजिए बीबी चमेली की दरगाह, देखिए आगे आप ये देख रहे हैं बीबी चमेली की दरगाह जियारत कीजिए, यहाँ से भी आपकी दुआएं पूरी होती है, मन्नत भी पूरी होती है इंशाल्लाह। दुआएं मांगिए बीबी चमेली से और देख लीजिए आज यहाँ पर कितने जायरीन हैं। सुभान अल्लाह, गुम्बद शरीफ हुजूर गरीब नवाज की जियारत कीजिए, और ये देखिए बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ जियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। और देखिए यहाँ पर आज कितने जायरीन हैं। चलिए आस्थाना शरीफ के चार नंबर गेट के सामने आपको लेके चलते हैं। आस्थाना शरीफ के चार नंबर गेट पहले आप जियारत कीजिए, जो इसी गेट से आप जियारत करके है बाहर आते हैं, देखिए किस तरह जायरीन जियारत करते करके बाहर आ रहा है। जी ये देखिए, और आप भी इसी गेट से बाहर आते हैं जियारत कीजिए। चलिए आगे ले चलते हैं जन्नती दरवाजे के सामने, बना रही है वीडियो पूरा देखिए। तो ये देखिए जन्नती दरवाज़ा, जियारत कीजिए, दुआएं मांगिए जन्नती दरवाजे के सामने से भी, और देख लीजिए यहाँ का माहौल आज कैसे है देख लीजिए, और जियारत कीजिए दिल खोल के। जी चलिए आगे ले चलते हैं आपको आस्थाना शरीफ के तीन नंबर गेट के सामने। जी तो जन्नती दरवाज़ा और आस्थाना शरीफ के तीन नंबर गेट, इस बीच का माहौल, इस बीच का चहल पहल, और यहाँ पर कितने जायरीन बैठे हुए, कैसे जियारत कर रहे हैं लोग देख लीजिए। जी सुभान अल्लाह, तो आस्थाना शरीफ के तीन नंबर गेट जियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। जी दुआएं मांगिए, हुजूर गरीब नवाज के दरबार शरीफ आप जियारत कर रहे हो चार, माफ़ कीजिएगा तीन नंबर गेट के सामने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर गरीब नवाज की गुम्बद शरीफ आस्था शरीफ तीन नंबर गेट के सामने से जियारत कर रहे हो, जियारत कीजिए दुआएं मांगिए। माशाल्लाह, तो अभी आपको लेके आया हूँ आस्था शरीफ के दो नंबर गेट के सामने यानी पायती में जहाँ पर कदमोसी होती है, जियारत कीजिए दुआएं मांगिए, यहाँ पर हर पल पल नूर बरसता है बेशक। ये हुजूर गरीब नवाज की दरबार है, हजरत अली के प्यारा है गरीब नवाज सरकार, औलाद अली है माशाल्लाह। दरबार शरीफ आप जियारत कर रहे हो जहाँ पर कदम उसी होती है, जियारत कीजिए
दुआएं मांगी है। इसी दरबार से मायूस दिल को भी फूल खिल जाता है। बेशक दुआएं मांगिए, ज़ियारत कीजिए, सुभान अल्लाह। चलिए आगे का माहौल भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए पायती के सामने दलन में कबली हो रहा है और कबली की जगह पे आज कितने ज़ायरीन हैं देख लीजिए। यहाँ का माहौल कैसे है देखिए, ये पूरी पायती आप देख रहे हो माशाल्लाह, जो कितने ज़ायरीन हैं देख लीजिए। आप अजमेर शरीफ में तो आइए, यहाँ पर बिछड़े हुए दिल की पल भर मिला देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवाज की गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए पायती से, सुभान अल्लाह ज़ियारत कीजिए। माहौल देखिए, बिगड़े हुआ दिल को पल भर मिला देते हैं, मायूस दिल को भी फूल खिला देते हैं मेरे फ़ाजा। ये है फ़ाजा की दरबार शरीफ अजमेर नगरी में, आप अभी ज़ियारत कर रहे हो। अभी आपको पायती से आताए नूर में लेके आया हूँ। आताए नूर में कैसे नूर बरस रहा है देख लीजिए, कितने ज़ायरीन यहाँ पर है, कैसे ज़ियारत कर रहा है, कैसे कबली सुन रहा है लोग देखिए, कैसे चहल पहल है माशाल्लाह देख लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी आप आताए नूर से आस्तर शरीफ ज़ियारत कर रहे हो, जहाँ पर कदम मसीह होती है। ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। ये मेरे फ़ाजा की दरबार शरीफ है, जहाँ से तमाम तकलीफ दूर होती है और तमाम जायज़ मकसद पूरी होती है। उसी दरबार को आप ज़ियारत कर रहे हो हमारी वीडियो द्वारा, हमारे चैनल के ज़रिया। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें आप, ताकि रोज़ इस तरह आपको ज़ियारत हो जाएंगे। जैसे मैंने वीडियो अपलोड करूं तो सीधे आपकी मोबाइल पे पहुंचेंगे, आपको पहले ज़ियारत हो जाएंगे और माहौल का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह देखिए, ये हमारे हुजूर गरीब नवाज के दरबार शरीफ, जो मायूस दिल को भी फूल खिला देते हैं मेरे गरीब नवाज। ये देखिए आताए नूर में कबली हो रहा है देख लीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस शहर में मेरे फ़ाजा रहती है, उस शहर के साज-दज क्या कहना आपको। बेशक हुजूर गरीब नवाज की दरबार शरीफ है, सुभान अल्लाह, जो आपकी तमाम परेशानी दूर होती है इसी दरबार से। बेशक हुजूर गरीब नवाज मायूस दिल को भी फूल खिला देते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवाज की गुब्बा शरीफ, जो अभी आप आताए नूर से ज़ियारत कर रहे हो, ज़ियारत कीजिए। चलिए आपकी आस्था शरीफ के सामने से बाहर की तरफ ले चल रहा हूँ। बाहर का माहौल भी आप देख लीजिए, जो बाहर का भी कैसे चहल पहल है, कितने ज़ायरीन हैं आज, कहाँ से कितने ज़ायरीन एंट्री हो रहा है देख लीजिए, और कैसे लग रहा पूरी दरगाह शरीफ के अंदर। अभी बकरा ईद बहुत ही करीब है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए हुजूर गरीब नवाज की बीबी शाहबा की दरगाह, इधर से ज़ियारत कीजिए, उधर से आपको ज़ियारत कराते हुए लिखे आया हूँ, इधर से भी आप ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। और ये देखिए संदली मस्जिद के अंदर की माहौल, तो माशाल्लाह कुछ दिन बाद ही बकरा ईद शुरू हो जाएंगे। बकरा ईद बिल्कुल करीब आ चुका है, तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ वजू खाना के सामने। वजू खाना के सामने का माहौल देख लीजिए जी। तो अभी दरगाह शरीफ में भीड़ कम है, अभी तमाम ज़ायरीन बकरा ईद में लगा हुआ है, क्योंकि अपना अपना जब भी बकरा करेंगे, कुर्बानियाँ करेंगे, तो सब अपने अपने लगा हुआ है। सुभान अल्लाह बुलंद दरवाज़ा। तो बकरा ईद पास है, उसकी वजह से अभी दरगाह शरीफ में भीड़ कम है, देख सकते हो, क्योंकि सभी बकरा ईद का तैयारी कर रहा है। सुभान अल्लाह, ये देखिए बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट है। तो अभी कुछ दिन बाद बकरा ईद होंगे इंशाल्लाह, तो बकरा ईद का तैयारी चल रहा है, सभी कुर्बानियाँ करते हैं। तो बकरा ईद से पहले अभी अजमेर शरीफ में भीड़ कम चल रहा है देख सकते हो जी। आज अंग्रेजी तारीख आपकी है माशाल्लाह, आज अंग्रेजी तारीख आपकी मैं बता देता हूँ, जो जल्दी बकरा ईद आने वाला है, आज
22 जून है और 10 जुलाई को बकरीद मनाए जाएंगे अगर चाँद सही तारीख में दिख गया तो। सुभान अल्लाह, ये ताजिया शरीफ जो अभी आप ज़ियारत कर रहे हो, अगर चाँद 29 तारीख को दिख गया तो इंशाल्लाह 10 तारीख यानी 10 जुलाई को बकरीद मनाए जाएंगे। तो हिसाब से बकरीद और ज़्यादा दिन नहीं है और बकरीद का लोग तैयारी भी कर रहे हैं और हज मुबारक भी चालू हो चुका है। तो इंशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए बुलंद दरवाज़ा। तो अभी आप पूरी दरगाह वाजा सॉरी माफ़ कीजिएगा दरगाह शरीफ की अंदर माहौल देख रहे हो आप, जो कहां पर कितने ज़ायरीन हैं। अभी दरगाह शरीफ में भीड़ कम है, अभी आप आ सकते हो आराम से, आपको सभी सहूलियत मिलेंगे। तो मैं आपको देखो बिल्कुल बाहर जो मेन गेट है निज़ाम गेट पे लेके आया हूँ। इसी गेट से मैक्सिमम लोग ज़ायरीन एंट्री होते हैं। सुभान अल्लाह, तो देखिए निज़ाम गेट से ये दरगाह बाज़ार की चहल पहल देख रहे हो। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर है, देख लीजिए। मैं निज़ाम गेट से नीचे उतार के आपको दरगाह बाज़ार का माहौल दिखा रहा हूँ। देख लीजिए जी यहाँ पर आज कितने ज़ायरीन हैं, कैसे चहल पहल है। आज वेडनेसडे के दिन है और 22 जुलाई है, अभी सुबह 10 बज रहा है। सुभान अल्लाह, ये दरगाह बाज़ार से निज़ाम गेट ज़ियारत कीजिए और देख लीजिए निज़ाम गेट से लोग कैसे अंदर दाखिल हो रहा है दरगाह शरीफ ज़ियारत के लिए। तो इसी वीडियो में हम आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।